दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इंडियन बैंक के हम लोग ऑफिशियल वेब पेज पर हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है। और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारे तरीके की जो है लोन्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और अभी हम जो है एमएसएमई सेगमेंट पर है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। एमएसएमई सेगमेंट पर है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टाइप के लोन के लिए। और इस लोन को जो है आप लोग दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपको पता है सभी बैंक्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू तो मैंडेटरी ही है कि वहाँ पर आप एमएसएमई लोन को अप्लाई कर सकते हो जस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। पर दूसरा जो है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों को अपने घर बैठे भरना होता है, अपने फ़ोन के माध्यम या फिर डेस्कटॉप पीसी इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को भरना होता है। तो हम ऑनलाइन के बारे में ही जानेंगे कि आप लोग ऑनलाइन एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब वैसे तो इस लोन के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए सभी बैंक्स की मैक्सिमम तो 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा तक का आपको जो है एमएसएमई लोन मिल जाता है। तो आखिर इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा और फाइनली आप लोग अप्लाई कैसे कर पाओगे इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन को, इसी के बारे में जानेंगे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक तरीके का एमएसएमई लोन है, तो आपको इस बात को पूरी तरीके से श्योरिटी रखनी है कि यहाँ पर आपके पास बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही में बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि जीएसटी के फाइल्स, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स, साथ ही में इनकम टैक्स की रिपोर्ट्स, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको चाहिए होती है, जिसके बेसिस पे आपका बिजनेस वेरीफाई किया जा सके। और जितने आपको अमाउंट की नीड है, एक्चुअली में आपका बिजनेस का वर्थ इट उसका ज़्यादा या फिर उतना वो कमा के वापस कर सकता है, या फिर उतने ज़्यादा वो प्रॉफिट में रह सकता है या नहीं रह सकता, इसी के बेसिस पर बात होती है। तो इन सब चीज़ों को अपने साथ में जरूर रखें। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इंस्टेंट फीडबैक आप अभी अभी वक्त इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और इंडियन बैंक से आप लोगों को एमएसएमई लोन क्यों लेना है। वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की, जो कि बहुत नॉर्मल है। ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल, टाइटल पर आप लोगों को करना है क्लिक, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, इस वेबसाइट लिंक पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। सही वेबसाइट लिंक पर आप क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे लोन पाओ डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरीके की वेबसाइट पूरी तरीके से खुल जाएगी। पहले तो वेबसाइट को आपको अच्छे तरीके से ओपन होने देना है। देन यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार का जो ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है कैटेगरीज देखने को मिल रही होगी, जिसमें आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। आप चाहो तो बैंक लोन या फिर कैटेगरी के अंदर आपको एमएसएमई का भी सेगमेंट देखने को मिल सकता है, तो एमएसएमई वाले ऑप्शन पर भी आप लोग सिंपली क्लिक कर सकते हो। क्लिक करोगे तो ये सीधा रीडायरेक्ट कर जाएगा कहाँ पर, आपके बैंकिंग वाले इंटरफेस पर। और वहाँ पर आपके सामने सभी बैंक के जो अकाउंट्स के क्राइटेरिया है या फिर कार्ड्स के क्राइटेरिया, वो सारे सारे जो है खुल करके आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जब क्राइटेरिया खुल के आ जाए या फिर जो भी कैटेगरी ओपन हो जाए, इसके बाद आप सर्च का यूज कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो स्क्रॉल करके नेक्स्ट करके भी जा सकते हो, लेकिन इसमें आपका काफी टाइम जो है टेकन हो सकता है। तो ऐसे में आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सर्च के ऑप्शन पे जाना है, और यहां पे आपको टाइप करना है इंडियन बैंक एमएसएमई लोन, या फिर आप बिजनेस लोन भी डाल सकते हो, जस्ट बिकॉज ये बिजनेस लोन की कैटेगरी में आने वाली लोन भी है। तो आपके सामने फर्स्ट ही आर्टिकल मिलेगा, इंडियन बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले और कैसे अप्लाई करें। 2 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप चाहो तो किसी भी आर्टिकल के तौर पे आगे बढ़ सकते हो। सिंपली तौर पे एक बिजनेस लोन है, तो बिजनेस लोन के अंदर एसएमई लोन आता ही है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है तो उसके अंदर आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन देखने को मिल जाता है। और माइक्रो स्मॉल के अंदर आपको पता ही है पीएमएमवाई लोन भी आता है, पीएमईजीपी लोन भी आता है, पीएम स्वनिधि योजना भी आता है, और बहुत सारे लोन आपके सामने आ जाते हैं। तो सिंपली आपको आर्टिकल पर क्लिक करना होगा, देन इसके अंदर आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है या फिर थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह भी है तो उसको क्लियर करने के लिए। बाकी जिन लोगों से लोन अप्लाई करने से मतलब है, उनको आर्टिकल के अंदर मिलता है अप्लाई नाउ की लिंक, इस लिंक पे आपको सिंपली करके रीडायरेक्ट हो जाना है इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे। एंड देन हम वहां से लोन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इन सारी भी चीज़ों को जानने के लिए अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है शो आउट करता है। अब जब वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखो सबसे नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी चॉइस के हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे एमएसएमई पॉलिसी का जो है टर्न अराउंड टाइम क्या है, रिवाइज क्या है, इसके अलावा क्योंकि सारी बातें एमएसएमई से रिलेटेड है। तो अगर चाहो इंडियन बैंक के, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ पढ़ने जैसी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, तो जरूर पढ़ो। हालांकि यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने ही है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ ऑनलाइन एमएसएमई लोन अप्लाई करना कैसे, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये आगे आपके सामने सेकंड ऑप्शन, ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। और जैसे क्लिक करोगे तो सीधा रीडायरेक्ट कर जाएगा, सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि अगर आप इंडियन बैंक में अपना जो है या इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन लेना है, तो ऐसे केस में आपके पास अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी इनके कस्टमर हो, तो आप यहाँ पे अपना एसबी अकाउंट नंबर यानी सेविंग बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हो, और उससे जो जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस अकाउंट नंबर से, वो सिंपली उस पर ओटीपी आ जाएगा। और जिनका कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, वो तब भी यहाँ पे जो है यहीं से उनको जो है एमएसएमई लोन लेना है, तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर को आपको एंटर करना है और आगे बढ़ जाना है। तो हमें जनरेट ओटीपी करके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं।
और जैसे ही आप लोग ओटीपी वेरिफिकेशन कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का न्यू लीड का वेब पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम का सेक्शन ब्लर है, मोबाइल नंबर ब्लर है, ईमेल आईडी वाला सेक्शन ब्लर है। इसका कारण ये है कि जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी वगैरह जनरेट करके काम कर लोगे तो यहाँ पे आपका नेम और ईमेल आईडी आप जो है डाल सकते हो, या फिर इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने इसको डाल लिया है, तो मैं सोचा चेंज नहीं करना, तो मैंने ब्लर इसलिए किया हुआ है। आपको यहाँ पे अपना नाम सबसे पहले, मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक शो कर ही जाएगा क्योंकि आपने ओटीपी जनरेट किया होगा, और ईमेल आईडी आपके सामने जो है आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप चाहो आपको अपना जो है कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, और एड्रेस चाहो तो डिटेल में भर सकते हो, साथ में पिन कोड और ब्रांच, किस इंडियन बैंक के ब्रांच से आपको लोन चाहिए, साथ ही में इंटरेस्टेड इनके जब ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको किस लोन की तरफ आगे बढ़ना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे एमएसएमई लोन चाहिए, तो यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आपके सामने लोन अमाउंट का सेक्शन खुल जाएगा। अब लोन अमाउंट में वैसे तो हमें पता है 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, बट हम कितने का चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं चाहता हूँ 45 लाख तक का लोन मिल जाए, तो यहाँ पे सिंपली तरीके में जो मैंने जो लोन चूज़ किया है वो 45 लाख का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है, अब जैसे ही लोन अमाउंट चूज़ कर लिया हम लोगों ने, तो इसके बाद हमें जो है ग्रॉस ईयरली इनकम दिखानी होगी, और इसके अलावा टोटल रिडक्शन हमारे ईयरली इनकम में कितना होता है, वो सब चीज़ चूज़ करने के बाद जो है नॉर्मली ही हमें यहाँ पे जो है अपना प्रोफेशन को चूज़ करना होगा। हम सैलरीड है, पेंशनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड हम क्या है, तो वो सारी चीज़ जो है चूज़ करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसको भर लेते हैं, उसका बताते हैं कि जब सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप जो है सबमिट के बटन पर टैप करते हो तो उसके बाद आपके सामने क्या आएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आएगा, जो कि लिखा होगा डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली विद ट्रैकिंग आईडी हमें मिल जाती है, जो कि मैंने फिलहाल यहाँ पे ब्लर किया होगा, ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है। तो अब ये जो है हमसे 24 घंटे के अंदर जो है टच में आएंगे और कॉन्टैक्ट करेंगे अबाउट द एमएसएमई लोन से रिलेटेड, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है। तो इसके बाद इनके जो प्रोसेस है हमें समझाने वाले हैं, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। ये चीज़ करने के बाद जो है नॉर्मली आपके पास जो है ये ट्रैक रेफरेंस आईडी मिल जाती है, ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भी हिदायत दी जा सकती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आगे बढ़ना है, बट क्योंकि ऑनलाइन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है वो आपको शायद जनरेटेड लिंक आपको देंगे, जहाँ पे बोलेगा कि आपको कैसे ऑनलाइन तरीके से काम करना है, और मे बी जिन लोगों का अकाउंट इंडियन बैंक में होगा पहले से उनको इस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है कि वो नॉर्मली जो है इंडियन बैंक में अपना जो है एमएसएमई लोन ले सकते हो। देखो नॉर्मली बताऊँ, एमएसएमई लोन ऑनलाइन भी लिए जाते हैं और ऑफलाइन भी लिए जाते हैं। ऑनलाइन लेने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको बताए थे, जैसे जीएसटी हो गई, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स हो गई, इनकम टैक्स की चीज़ें हो गई, इन सभी चीज़ों को आप अपने साथ में जरूर रखें, और जब भी इनके कॉल या एसएमएस या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें आएँ तो सबसे पहले तो वेरीफाई करें कि इंडियन बैंक का ही है, और दूसरी बात यहाँ पर जब आपसे चीज़ें पूछी जाए तो आपको एक्जैक्ट वही बतानी है। इसके बाद आपको वो बताएंगे या फिर आपसे खुद ही पूछेंगे कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप हमें बता दीजिए, ताकि हम इसको जो है डाटा में एंट्री कर सकें। या इसके अलावा आपको जो है खुद ही एक वेब पोर्टल दिया जा सकता है, जहाँ पर बोलेगा कि आपको इस वेबसाइट पर जो है पहुँचना है और वहाँ पर जाकर सिंपली तरीके से आपको चीज़ों को सबमिट आउट करना है, और इस तरीके से जो है आप अपने एमएसएमई लोन से जो है ऑनलाइन लोन ले सकते हो इंडियन बैंक के। अभी सभी इंडियन बैंक के बारे में बात हो रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन लेने का, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और हाँ, ये भी जरूर बताना, वैसे तो मुझे पता है मैक्सिमम जो बैंक है वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन देती है, पर मैक्सिमम अमाउंट मुझे नहीं पता कि ये इंडियन बैंक आपको कितना देती है, तो ये बात मुझे कमेंट्स में आप लोग जो है जरूर लिख के बताना। खैर, यही था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, और न्यू यूज़र को भी अच्छे से बात समझ में आई होगी कि वो आखिर किस तरीके से जो है इस लोन को ले सकता है। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो टाटा गुड बाय, टेक केयर।